प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? स्टैंडर्ड डिवीजन बन गया था? यस मैम। मीन डिवीजन भी बताई थी? मीन डिवीजन का एक एग्जांपल दूंगी, उसको आप लोग बनाओगे, ठीक है? मीन डिवीजन कैसे निकालते हैं ये सब चीज हमने पढ़ा है ना। नाउ द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट मीन डिविजन फॉर द कंटिन्यू सीरीज द ग्रुप डेटा इज मीन डिविजन। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इज मेन डिवीजन। आवर कंप्लीटेड
स्टैंडर्ड डिविजन अर्थमेटिक मीन्स ओके देन क्यूडी ओके. सो नाउ द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट मीन डिविजन फॉर द कंटिन्यू सीरीज द ग्रुप डेटा इज मीन डिविजन. ओके फॉर्मूला एम डी इक्वल सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ इक्वल एल. Now I will share our completed statics mean direct method, shortcut method, step deviation method. Okay, mean ये तीनों ही हमने understand कर लिया है. Okay. Now we will learn how to calculate the mean deviation for the continuous series of group data of the help of this question. Okay, the question is first of all we will draw a table. Solve this question. So इस तरीके से आप क्या करोगे, draw करोगे. Question में आपको दूंगी continuous series का. Okay, ये तीनों ही series हमने understand कर लिया है. Okay. नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड की भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. सिग्मा एक्स ए प्लस वाला जो था ना जिसमें हमने एज्यूम वैल्यू फाइंड आउट किया था वो भी हमने अंडरस्टैंड किया है. देन मीन डिविएशन के ही हम देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले मीन डिविएशन का आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे. मैम अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज. सभी को मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है.
आई मेरी आवाज? यस मैम, अब आ रही है थोड़ी सी. आई ना? अब देखो, बट शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे आप लोगों को मैंने कौन कौन सा मेथड अभी बना बता दिया है, तो सॉल्व किया आप लोगों ने. इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत सारे हैं. सॉल्व किया? कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन के? आप मैं देखो स्क्रीन में ओके स्क्रीन डेयर का देखें तो स्क्रीन में दिख रहा भी है. काफी देर से शेयर नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू के कारण ही होगा. ठीक है, क्लियर है आवाज सभी को? यस मैम. चलिए नाउ वी विल स्टार्ट मीन डेविएशन ग्रुप डेटा कंटिन्यू सीरीज. कंटिन्यू सीरीज का फॉर्मूला क्या है पता है सभी को? मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है मैंने भी बताया है. चलिए पहले हम क्वेश्चन नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन कर लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में. कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट. यहाँ पे देखो मार्क्स दिया, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है. जब भी कंटिन्यू सीरीज में वैसे भी ऐसे ही क्लास इंटरवल दिए रहते हैं इस मेथड में, हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया है ना. अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपका और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ठीक है, कर लिया नोट आप लोगों ने इसको? यस मैम. अब इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे. सिक्स कॉलम क्या क्या रहेगा? पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम रहेगा हमारे पास. देखो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रीक्वेंसी पहले लिखेंगे. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन निकालने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ठीक है, नंबर ऑफ आइटम जो है आपका एन हो जाएगा. अब यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया है. सबसे फर्स्ट लाइन में क्लास इंटरवल, सेकंड में मीड वैल्यू आप लिखोगे जो एक्स होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सिग्मा एफ एक्स के लिए एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? है सभी को मीन का फॉर्मूला तो याद है कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं याद होगा. ठीक है, क्या है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, अपॉन एन, ये है आपका मीन का फॉर्मूला. तो एफ एक्स की जरूरत है अब हमारे पास, तो क्या करेंगे, एफ एक्स करना है. तो उससे पहले हमको मीड वैल्यू निकालना है. मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने सभी मेथड में बताया है. कंटिन्यू सीरीज में जब हम मीड वैल्यू की जरूरत होती है तब मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं कौन बताएगा? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू भूल गए एक ही दिन में? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैम मैं बताऊं? यस बताओ. मैम पहले वो उसका ये मिड वैल्यू निकालेंगे वो 10/2 करके. हाँ, बट उसको बोलते कैसे हैं, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से. वेरी गुड आरती. ठीक है, हम क्या करते हैं, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू जो है
ऐड कर देते हैं ना, इसकी 0 प्लस 10 होगा तो 10 ही होगा, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट का मीड वैल्यू कितना आ जाएगा 5, वैसे ही सेकंड का हम करेंगे 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15। समझ आया मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब कोई नहीं भूलना कि हम मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ आया कैसे करते हैं? अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो नेक्स्ट क्या है 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ऐसी करके हम पूरे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मीड वैल्यू हमने पूरा निकाल लिया यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और 45, क्लियर। उसके बाद ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एफ ये पूरा दिया हुआ है, इसके टोटल हमारे क्या हो गए, सिग्मा एफ एक्स हो गया, ये वाला वैल्यू जो है हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब हम मीन निकालना होगा, तो मीन का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला हमारे पास मीन बार एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब इसको हम पुट कर देते हैं मीन, हाँ सिग्मा एफ एक्स। अब हम मीन निकाल सकते हैं इजी वे में, क्योंकि हमने एफ एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया है, तो उसका टोटल कितना हुआ आपका 1350 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे मीन निकल जाएगा 1350, आपका मीन कितना आ गया 27। ठीक है, मीन कितना आ गया हमारे पास 27, क्लियर है? यस मैम। अब क्या निकालेंगे हम, अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? एम डी इक्वल सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यही है ना? यस मैम। अब डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको डी फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल एक्स माइनस मीन, मीन हमारा कितना आया 27 आया है, उसको एक्स से यानी कि इस वैल्यू से माइनस करते जाएंगे तो हमारा डी निकल जाएगा, क्लियर? डाउट है कुछ इस लाइन में? मैम एक्स को एक्स बार से माइनस कर देंगे ना डेविएशन निकालने के लिए। हाँ बस वही बार एक्स जो है मीन होता है ना, उससे माइनस कर देंगे तो डेविएशन निकालने के लिए निकल जाएगा, क्लियर है? यस मैम। उसके बाद एफडी निकाल लेंगे, एफडी की जरूरत भी पड़ेगी हमको। एफडी निकालने के लिए क्या करोगे, डी ये है और एफ का ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफडी निकल जाएगा, क्लियर? यस मैम। कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए तो बन जाएगा फिर, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे ना। ठीक है, अब उसको फॉर्मूला में पुट करो। कितना आ जाएगा एफडी का टोटल 470 आएगा। अब उसको किसमें पुट करना है हमको, किसमें पुट करना है, एमडी निकालने के लिए हमको पुट करना है उसमें, तो एमडी कैसे निकलेगा बताओ, कौन बताएगा? मैम उसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एम डी इक्वल सिग्मा एफ डी एन। ठीक है, अब हमारे पास एफ डी का टोटल आ गया है यानी कि 470 आया है, प्लस कर लोगे, एन कितना हमारे पास नंबर ऑफ
चले निकाल के मुझे आंसर बताओ तो। आई कितना आया? कितना आया? नाउ विल पुट मैम 9.4। नाइन पॉइंट फोर फोर आना चाहिए। आया सभी का? नो मैम, डबल फोर कहाँ आ पाएगा, 9 बार में 45 और पॉइंट लगा के 224 बार में आएगा ना, 9.4 आएगा, डबल फोर नहीं आएगा। देखो सिग्मा एफ डी आपका है 472 और सिग्मा एफ है आपका 50। वो मैम मैं सोची 470 है। सोचे ना मैं उसको उधर होंगे। हाँ 472 है उसका टोटल, 2 नहीं दिख रहा था ना अभी, मैंने उसको फिर से प्लस किया है तो उसको प्लस कर लोगे तो 472 है हमारे पास। सिग्मा बन जाएगा एमडी अब सभी से। यस मैम। और उसको फिर पुट कर दोगे फॉर्मूला में तो आंसर आ जाएगा। मतलब आपका जो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या है हमारे पास, क्यूडी है, क्वार्टाइल डिएशन एग्जाम में आता है याद रखना आप लोग, मेन डिएशन है, स्टैंडर्ड डिएशन, ये तीनों मेथड को अच्छे से कर लेना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो भी डाउट है क्वेश्चन में पूछोगे। ठीक है, अभी कौन से क्वेश्चन से क्वेश्चन हमारा मेन डिवीजन का है उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, हो जाएगा सभी से? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? चलिए तो क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। ओके, मेरे को ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। क्वेश्चन शेयर करिए तो क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट में देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मीन डेविएशन का है मैम। मीन डेविएशन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। सॉरी, क्या है क्वेश्चन बताओ मैम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। फाइंड आउट द अर्थमेटिकल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। मार्क ऑप्शन दिया है 70, 60, 50, यही है ना?
Thank you.